What's the show, lads? Or kya? Welcome to the new vlog. This is Dhruv. तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं जो भाई लोग स्टूडेंट लोग भाई लोग अपने यहाँ पे न्यू आने वाले हैं ना 2024 सितंबर टेक में भाई बहुत स्टूडेंट आते हैं पूरे वर्ल्ड से ना, तो उनको भाई क्या कुछ इनिशियल स्टेप्स जो उनके स्टार्टिंग के कुछ कदम होते हैं ना आयरलैंड में एंटर करने के बाद वो क्या कुछ होते हैं, आपको ये चीज़ें मस्ट करनी चाहिए अगर आप आयरलैंड में ऐसे स्टूडेंट आ रहे हो 2024 में सितंबर इनटेक में भाई। तो आज के ब्लॉग में इसी के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स आते ही भाई आयरलैंड में कर लेने चाहिए और आपको भाई कौन से एरियाज़ में ना आयरलैंड में आके या डबलिन में आके आपको घर लेने चाहिए, कहाँ आपको रुकना चाहिए, कहाँ पे अपनी देसी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसी के बारे में भी बात करेंगे भाई आज के व्लॉग में। तो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो भाई आज है छुट्टी तो बच्चों के साथ भाई जाने लगे हैं बॉलिंग खेलने आज, तो गर्मी है बच्चे भी घर पे हैं, स्कूल की स्टिल अभी छुट्टियां हैं यार, अभी 2-3 हफ्ते और छुट्टियां हैं उसके बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे अगस्त एंड में सितंबर पहले, क्योंकि भाई स्कूल शुरू हो जाते हैं बच्चों के प्राइमरी हो सेकेंडरी हो कोई भी हो, बट कॉलेज लेट शुरू होते हैं यार, कॉलेज शुरू होते हैं जाके एंड ऑफ सितंबर, कोई कोई कॉलेजेस तो भाई अक्टूबर में शुरू होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप भाई स्टूडेंट को यहाँ पे आके क्या करना चाहिए, जब आप आयरलैंड में लैंड होंगे ना मेनली सारे डबलिन में लैंड होते हैं, डबलिन इज अ कैपिटल, तो आपको लैंड होने के बाद आपको आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगी 3 महीने की, क्योंकि आप जब अपने कंट्री से वीज़ा लेके आ रहे हो वो खाली 3 महीने का भाई वैलिड होता है, यहाँ पे आपको 3 महीने की स्टैंप लग जाएगी कि उस 3 महीने में ना आपको अपने लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में, अगर आप डबलिन में रह रहे हो डबलिन में, अगर आप कंट्री साइड में रह रहे हो कंट्री साइड में, लोकल इमिग्रेशन ऑफिस जाके आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको IRP कार्ड मिलेगा, वो आपका 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा और वो कार्ड भी भाई 1 साल का होगा। IRP कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, और अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको स्टैंप 2 भाई दी जाएगी, उसमें आप 20 घंटे काम कर सकते हो 1 हफ्ते में, और हॉलीडे टर्म जब भी छुट्टियां होती हैं कॉलेज की उसमें आप 40 घंटे काम कर सकते हो आयरलैंड में। तो भाई दोबारा बॉलिंग खेलने चले हैं, एंड हु इज गोना विन टुडे, लास्ट टाइम वाज मी एंड होपफुली मी दिस टाइम बिकॉज आई वन ऑन माय बर्थडे, मी एंड हर वाज टाइड, आई थिंक हम दोनों का टाई हो गया था, डुगु वाज लो, डुगु नहीं जीता था लास्ट ईयर, डुगु को थ्रो ही नहीं करनी आती यार प्रॉपर, इतनी बार इसको सिखाया मैंने बट नहीं, लास्ट ईयर आई वन अगेंस्ट हिम बट दैट वाज जस्ट प्योर लक था भाई वो, आज देखते हैं भाई कौन जीतेगा। और भाई जैसा भी हुआ मैं ही जीता, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं और खुशबू टाई हो गए थे बट अब मैं जीत गया। तो भाई हाँ इसके बाद अब बात करते हैं, तो भाई अब बात करते हैं कि सेकंड जो है वो सेकंड पॉइंट क्या है, और सेकंड ये है कि भाई जब आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया ना उसके बाद आपने करना है अपना PPS नंबर अप्लाई, PPS नंबर के लिए वीडियो मैंने ये बना रखी है, ज़रूर चेक करना। PPS नंबर होता है कि भाई जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड वगैरह होता ना कि उसके बिना यहाँ कुछ नहीं होता, PPS नंबर पे आपको जॉब मिलेगी, आपको कोई मतलब कुछ और बेनिफिट आप आयरलैंड में उठा सकते हो, मतलब PPS नंबर बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको कोई काम पे नहीं रखेगा, और अपने देसी बंदों की भाई यही प्रायोरिटी होती है कि आते ही जॉब मिल जाए, तो जॉब ऐसे नहीं मिलेगी। और भाई जब आपका PPS नंबर वगैरह बन जाए ना उसके बाद बात करते हैं कि आपके जो पैसे आएंगे वो कहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी वगैरह मिलती है सारी बैंकों में आती है भाई, तो बैंक का अकाउंट खुलाने में लग जाते हैं 2-3 हफ्ते, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ये वो, क्योंकि बैंक ऑफ आयरलैंड है, AIB बैंक है, परमानेंट ESP है, बट सबसे सेफ इजी क्विक अगर आपको बैंक खोलना तो मैं रेकमेंड करूँगा रेवोलूट एक ऑनलाइन बैंक है जहाँ पे आप अपनी सैलरी वगैरह कर सकते हो, आप अकाउंट मिनटों में खोल सकते हो, आपकी सैलरी डायरेक्ट एकदम उसमें आ सकती है भाई, खर्चे आप उससे कर सकते हो, कार्ड आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, डेबिट कार्ड होता है, और वो आपको फटाफट आपको अगर एक दिन में ही आपको हो जाएगा, उसको कार्ड आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, बट आप वर्चुअल कार्ड यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन से, गूगल पे से या एप्पल पे से, तो रेवोलूट बैंक का आप यूज़ कर सकते हो भाई अगर आपको फटाफट बैंक अकाउंट खोलना है, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से आते हो तो फॉरेक्स कार्ड वगैरह से ट्रांजेक्शन फ़ीस बहुत लगती है, तो
तो यहाँ के बैंक अकाउंट खोलने में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं यार, अपॉइंटमेंट लेते हो, ये लेते हो, वो लेते हो। तो रेवोल्यूट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पासपोर्ट वगैरह ये वो, और फटाफट आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और भाई उसके बाद बात करते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे आके फ़ोन वगैरह यूज़ करना है, क्योंकि आपको अपने फैमिली को पीछे अपने कंट्री में भाई कॉल तो करनी करनी है, ठीक है। घर पे तो वाईफाई होगा डेफिनेटली, बट आपने बाहर भी निकलना है ना, जॉब वगैरह फाइंड करने के लिए या कुछ और करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो सबसे सस्ता स्टूडेंट के लिए ना, मुझे लगता है आज के टाइम में या तो 48 है या गोमो है, ये 2-3 सिमें ऐसी हैं। लाइका मोबाइल है जो आपको 10-15 यूरो पर मंथ के बीच में आपको अनलिमिटेड नेट मिलेगा, मतलब 30-35 GB। तो फ़ोन तो इतना यूज़ ही नहीं होता है, तो आप 30-35 GB यूज़ नहीं कर सकते एक महीने के लिए, 30 डेज़ के लिए। तो 48 हो गया नेटवर्क, गोमो हो गया, लाइका मोबाइल हो गया या टेस्को मोबाइल हो गया, ये 3-4 सिम कार्ड ऐसे हैं कि आपको 10-12 यूरो के बीच में ना, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं। तो स्टूडेंट को ये सिम कार्ड बड़े अच्छे रहेंगे। इनके कवरेज भी भाई आयरलैंड वगैरह में, यूरोपियन यूनियन में बहुत अच्छी है। तो अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड मैसेजेस। घर पे तो आपको वाईफाई होगा जहाँ पे भी आप रहोगे, बट वैसे कॉल करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये नेटवर्क आप यहाँ पे आके ले सकते हो। तो हाँ जी भाई लोग, अब बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज में आपको घर रेंट पे लेने चाहिए या बाय करने चाहिए, और कौन कौन से एरियाज में नहीं लेने चाहिए। मेनली तो नहीं वाले एरिया के भाई बात करते हैं कि जहाँ पे आपको घर नहीं लेने चाहिए। इसके मैं भाई ये वीडियो बना रखी है, डिटेल में जरूर चेक करना, क्योंकि एरियाज काफ़ी हैं। मुझे डब्लिन का पता है, बाहर का मुझे इतना नहीं पता है कि कौन कौन से कंट्री साइड में कौन कौन से एरियाज ठीक है, बट मुझे डब्लिन का पता है। डब्लिन में लोग काफ़ी रहते हैं, मेनली सारे बंदे अधिकतर भाई डब्लिन ही आते हैं, क्योंकि इट्स अ कैपिटल। तो ये एरियाज आप अवॉइड करें, अगर आपको 1-2 महीने की टेम्परेरी अकोमोडेशन मिल भी गई है ना उस एरिया में, उसके बाद उसको वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर जाएं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये वाले एरियाज़ को अवॉइड करना। और भाई डब्लिन के माहौल के बारे में बात करें, जो सिटी सेंटर का माहौल है वो आप मेरी लास्ट वीडियोस में कुछ देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसा माहौल है। बस ठीक है, आगे से सारा कुछ कंट्रोल में है। तो ये है कि यार ये सीन तो ना भाई किसी भी कंट्री में हो सकता है, किसी भी कंट्री में, डजंट मैटर कि आयरलैंड है कि कोई सी भी कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। बट ये है कि हाँ, डब्लिन सेफ है, आयरलैंड सेफ है। आप यहाँ पे अगर आने का प्लान कर रहे हो तो जरूर भाई आ सकते हो, इट्स गुड कंट्री टू लिव। और भाई वो वाली वीडियो जरूर देख लेना कि जिसमें मैंने बताया कि एरियाज कौन कौन से आपको अवॉइड करने चाहिए और कहाँ पे अपनी कम्युनिटी ज़्यादा है, तो आपको पता लग जाएगा उस वीडियो के बाद। और जब आप यहाँ पे रहोगे आपको वैसे ही पता लग जाएगा। बट हाँ, एक स्टार्टअप थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा अगर आप पहली बार भाई आयरलैंड में आ रहे हो तो। तो ये थी भाई आज की वीडियो, एक छोटी सी कि इनिशियल स्टेप्स, आपको बेसिक स्टेप कौन से लेने चाहिए, कौन से आपको पता होना चाहिए अगर आप अपने कंट्री में बैठे हो उस टाइम और आयरलैंड आने का सोच रहे हो। कई भाई लोगों का तो वीज़ा भी लग चुका होगा, तो बेस्ट ऑफ लक टू देम। एंड किसी का लगने वाला होगा उनको भी भाई बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ये आपका वीज़ा जरूर लगे। और कुछ भी मेरे से पूछना है तो भाई मेरे को आप डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी। कुछ भी पूछना है तो मुझे 1-to-1 कॉल करनी है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद मुझे कॉमेंट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं मर्जी, आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो भाई मैं ऐसे ही आयरलैंड के इन्फो व्लॉग थोड़े बहुत भाई डालते रहते हैं, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ना आप लोगों से ट्राई करता हूँ कि अधिकतर से अधिकतर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, और ऐसे ही भाई वीडियोस बनाते रहूँ, और मुझे आप ऐसे ही भाई सपोर्ट करते रहो। तो भाई आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इंस्टा को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।